माघ मेला क्षेत्र में बने राम मंदिर मॉडल का अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। उस दौरान उन्होंने भव्य बने राम मंदिर मॉडल का दृश्य भी देखा और उसकी सराहना की। उन्होंने कहा, कई वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा हो सकी, इससे साधु संतों में काफी खुशी है और उसका ही एक जीता जागता मॉडल आज माघ मेला क्षेत्र में भी बनाया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को भगवान रामचंद्र जी का दर्शन मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उनके अथक परिश्रम से अयोध्या में रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा हो सकी। देखिए, आपने देखा होगा 22 जनवरी 2024 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, और आपने देखा होगा उसमें पूरा भारत नहीं पूरा विश्व राममय हो गया था। आपने वो सीन भी देखे होंगे, जितने भी संत महात्मा, जितने सनातनी, जितने भी योगी लोग सामने बैठे हुए थे, कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था। और उसी समय में उत्तराखंड से कलश यात्रा लेके आया था, और मैंने देखा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मुझे मुसलमान महिलाएं जो हमारी बहनें आई मुझे छूने लगी, बोले महाराज जी आप जल लेके आ गए हैं, बोले हमें भी जो है राम भक्ति आ गई। मैंने कहा आपको क्यों आई, बोले गुरु जी हम भी तो राम के ही है, हमारे जो चाचा छे, हमारे जो दादा परदादा भी तो राम के थे। कहने का तात्पर्य है, जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, पूरा जो उत्तर प्रदेश है, मैं समझता हूं ये उत्तर प्रदेश नहीं, ये उत्तम प्रदेश हो गया है। आप देखिए, राम मंदिर का कार्य पूरा हो गया, हमारा ज्ञानवापी का कार्य पूरा होने जा रहा है, अब मथुरा का कार्य होना है। मैं समझता हूं अब ये उत्तर प्रदेश नहीं, ये जो पूर्व सरकारें थी ये प्रदेश को उतार रही थी, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है। तो इसके लिए मैं यही कहूंगा, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शरीर विजयो भूत जिह्वा नित्रमित्र मम। जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, जहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, और इस जो प्रदेश है इसीलिए ये उत्तम प्रदेश बन गया है। पूरा सनातन पे काम हो रहा है, आपने देखा यहाँ हमारा जो साइंस एंड जो टेक्नोलॉजी है, जो विज्ञान है, उस पे काम हो रहा है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि हमारे भारत में जो आने वाले जो 2024 में जितने हम हिंदू है, जितने सनातनी है, सभी को सोचना पड़ेगा हमें कौन सी सरकार चाहिए। अगर आज हमने सरकार का साथ नहीं दिया, इसका अंजाम हमें बहुत बुरा होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे विरोधी लोग, उसमें हमारे संत महात्मा भी है। मैं नहीं कहूंगा कि हम कोई अलग है, हमारे भी लोग हैं जो राम मंदिर का उद्घाटन नहीं चाहते थे, कई हमारे हिंदू, और हिंदू का विरोधी हिंदू होता है। इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगा, हम सभी हिंदुओं को एकजुट होकर के 2024 में हमें माननीय प्रधानमंत्री जी को 30वीं बार भारत का प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के जो हमारा मथुरा का जो विवाद है, मथुरा का जो डिस्प्यूट है, तभी उसका हल हो सकता है। इसीलिए हम सब जितने भी संत है, महात्मा है, सनातन है, जो अगर हमें सनातन संस्कृति को बचाना है तो हमें माननीय प्रधानमंत्री जी का साथ देना पड़ेगा। मेले में भी एक